काट रहा है। तो जहर पी ले। जहर क्यों? जहर खून में जाएगा, खून मच्छर पिएगा, मर जाएगा। अभी पी के आती हूँ। आपको कैसा लड़का चाहिए? मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो सिगरेट ना पीता हो, शराब ना पीता हो, फिर कुछ गाली गलौच ना करता हो, आराम से उसका जीवन चलता हो या भगवान का नाम लेता हो। ओ, तो फिर ऐसे लड़के तो तुमको खाली आईसीयू में मिलेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड फेस, माय सेल्फ निशा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को सिखाने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक जो मैंने राइट नाउ अचीव कर रखा है। इट्स अ ब्लू ग्लिटरी स्मोकी आईज मेकअप लुक। इस तरीके का मेकअप मोस्टली टीनेजर्स करती हैं क्योंकि वो वन पीसेस वगैरह ज्यादा प्रेफर करती हैं पहनना, जिस तरीके से मैंने आज पहन रखा है। ये वाला मेकअप लुक आप पार्टी में, किसी कॉकटेल पार्टी में, किसी मैरिज की जो वेस्टर्न काइंड ऑफ पार्टी होती है, पूल पार्टी होती है या तो डिस्को होता है, मतलब एनी काइंड ऑफ वेस्टर्न कोई भी फंक्शन हो, तो आप ये वाला लुक क्रिएट करके जा सकते हैं। बहुत ही इजी ढंग में मैंने सिखाया है, तो प्लीज अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं आज कैसी लग रही हूँ, मुझ पे ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और रेटिंग भी देना 10 out of आप मुझे कितने रेटिंग देते हैं फॉर दिस मेकअप लुक एंड फॉर माई लुक्स। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स मूव। और वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो करना। बहुत बोल दिया, चल वीडियो को स्टार्ट कर। बाय बाय, सी यू आफ्टर वीडियो कंप्लीट हो जाए, मेकअप लुक कंप्लीट हो जाए। सो गाइज, अभी हम मेकअप को करते हैं स्टार्ट। ये है मेरा फेस विदाउट मेकअप। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे गर्मियों में एसेंशियल प्रोडक्ट, वो है टोनर। और टोनर अप्लाई करना मस्ट 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 स्टेप है। उसके बाद मैं लैक्मे की मेरा जो डे क्रीम है उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज वो ख़त्म होने वाली है, तो पूरी ख़त्म ही कर दूँ एज अ मॉइस्चराइज़र। फिर उसके बाद मैं अर्गन फेशियल ऑयल अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि मेरा फेस जो है वो फ्लॉलेस दिखे। और अब सनस्क्रीन अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें ये वाले मेकअप लुक के लिए, बिकॉज मैं भूल गई थी। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। एज आई टोल्ड यू, सनस्क्रीन अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू। उसके बाद हम मेकअप को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैं फाउंडेशन के लिए ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन। इस पर मेरा शेड है क्लासिक पेज, ठीक है? स्पैचुला इसमें है, मेरी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, आई मीन मेरे फेस की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा लेके और अंडर आई एरिया में भी लगाऊंगी। फिर इसके बाद धीरे 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 करके ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको करूंगी ब्लेंड, ठीक है गाइस? और जब आप बेस को ब्लेंड कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छे से टाइम लेके ब्लेंड किया कीजिए, बिकॉज जो हमारा बेस होता है ना, वो ही डिसाइड करता है कि हमारा मेकअप जो फाइनल आउटपुट वो कैसा टर्न आउट होगा, ठीक है? ये वाला फाउंडेशन बहुत ही अच्छा वाला फाउंडेशन है। अगर आप कोई पार्टी फंक्शन के लिए फाउंडेशन लेना चाहते हैं, अगर आपकी शादी होने वाली है, कोई फाउंडेशन आप लेना चाहते हो, तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं, वेट एंड वाइल्ड का है, ठीक है? अभी मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन का फिट मी, अंडर आईज एरिया के नीचे, नोज पे, लिड पे और अपर लिप्स पे, जैसे कि मेरा जो फेस है वो हाइलाइटेड दिखे कंसीलर अप्लाई करने के बाद, ठीक है गाइज? आज मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा मन किया इसलिए, अदरवाइज़ मैं मेरे फिंगर्स की हेल्प से ही ब्लेंड करती हूँ और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और फ्रेंड्स, आज का मेकअप लुक मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। अब मैं मेरे फेस को कर रही हूँ सेट, मेरे मेकअप को कर रही हूँ सेट। लैक्मे का कमबैक है। एक्चुअली मैं बात कर रही थी आरव से, वो मुझे परेशान कर रहा था, ठीक है? और यार अभी क्या करूं, बच्चों वाली हूं तो मैनेज तो करना पड़ेगा सब कुछ। फिर मेकअप को ज़रूर आप सेट करें क्योंकि गर्मियां चल रही हैं अभी। अभी हुदा ब्यूटी का ये पैलेट है, उसमें से मैं एज अ ट्रांजिशन शेड ये ब्राउन कलर का ले रही हूं। आज हम क्रिएट करने वाले हैं ब्लू ग्लिटरी स्मोकी आईज़। फ्रेंड्स, ये ट्रांजिशन शेड आप पूरी अपने क्रीज पे, लिड पे, कंप्लीट अपने आईज़ पे लगा दीजिए, ठीक है? और अच्छे से लगाना, जैसे कि वो पूरा पॉपअप होके कलर निखर के आए,
ठीक है, आप देख सकते हैं कितना मैं अच्छे से दबा दबा के लगा रही हूँ दोनों ही आईज़ में, मैं साथ साथ में ही मेकअप कर रही हूँ। बहुत ही ईजी वे में 3 स्टेप में मैं आपको ये वाला स्मोकी ब्लू ग्लिटरी आईज़ मेकअप सिखाने वाली हूँ। ये मेरा SFR का छोटू सा पैलेट है, उसको मैं लेके आई, और मैं सिर्फ अभी इनर कॉर्नर है ना, जो आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर पे वी शेप में इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज मुझे जो आज आउटपुट चाहिए ना, थोड़ा मैट थोड़ा शाइनी दोनों ही चाहिए। तो ये है ना, थोड़ा सा इसमें ग्लिटर पार्ट है, ये मैंने इनर कॉर्नर पे लगा दिया। अभी वो पहले वाला हुदा ब्यूटी का पैलेट है, उसमें से थोड़ा डार्क ब्लू कलर का मैट शेड में लेके बाकी की लिड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। दोनों ही कलर्स को मिक्स करने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग इज़ मस्ट, आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके पूरी लिड पे मैं लगाती जा रही हूँ और ब्लेंड करती जा रही हूँ। और ब्लेंडिंग आप इतना अच्छे से करो जैसे कि बिल्कुल भी हार्श लाइन्स नहीं दिखें। और ब्रश इस तरीके का फ्लफी ब्रश आप लें, फिर उसके बाद मेरा ट्रांजिशन शेड और ये ब्लू शेड दोनों को मिक्स करने के लिए ब्लेंडिंग करें जैसे कि दोनों ही शेड्स आपस में मिक्स दिखे, अलग ना दिखे कुछ भी। ठीक है, ये 2 स्टेप्स हो गए, और फिर से ब्लेंड कर रही हूँ जैसे कि नीट एंड क्लीन दिखे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ये वाला मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर टैग करना, बिकॉज़ मैंने बहुत इजी वे में दिखाया है, आप ये वाला वीडियो देख के तो डेफिनेटली सीख जाने वाले हैं। ठीक है, फिर से मैं लास्ट में SFR का मैंने पैलेट लिया और सेंटर ऑफ लिड पे मैं थोड़ा सा शाइन वाला वो जो कलर था उसको मैं प्लेस कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक क्रिएट हुआ है, नीचे से फॉल आउट भी हुआ है, गंदा हो गया है, मेरी गलती है, मुझे थोड़ा लूज पाउडर लगाना चाहिए था, बट इट्स ओके, अब मैं उसको कर रही हूँ ठीक। कॉम्पैक्ट लगाने के बाद भी मुझे 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मैं कंसीलर लगा के फिर उसके बाद ब्लेंड करके उसको फिर से सेट कर रही हूँ जैसे कि क्लीन लुक दिखे। यार इतनी मेहनत की है, अभी इतनी थोड़ी सी गलती की वजह से मैं मेरा मेकअप लुक थोड़ी ना ख़राब कर दूँगी। ये आरव के साथ चपड़ चपड़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे लिक्विड आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, NYB का छोटू सा लिक्विड आईलाइनर है। फ्रेंड्स, अभी भी आप स्मोकी आई लुक क्रिएट करें ना, तो अगर आप लिक्विड लाइनर अप्लाई करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, छोटी सी विंग वाला। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लू काजल, ये मेरा मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। ठीक है, अभी अप्लाई करने के बाद उसको मैं स्मजर ब्रश से स्मज कर रही हूँ जैसे पूरा लुक जो है वो ब्लेंडेड दिखे। ठीक है, देखिए गाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये मेरा हुदा ब्यूटी का पेन स्केच ग्लिटर लाइनर है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको अप्लाई करने के बाद जैसे कि आई शेडो लुक में जान आ गई, यू कैन ईजीली सी कितनी आंखें चमक रही है मेरी। ठीक है, यहाँ पे वो लुक मेरा कंप्लीट आईज़ का होता है, बट नहीं होता है अभी। मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन का। ठीक है, अब मैं अपने आईब्रोज़ को कर रही हूँ फिलिन। मैं अपने आईब्रोज़ को बहुत ही नेचुरल फिलिन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है एकदम डार्क ब्राउन पैची पैची सा, वो अलग लगता है, मतलब डिफरेंट लगता है। फिर उसके बाद कॉन्टोरिंग कर रही हूँ स्लाइट सी, नोज़ की कॉन्टोरिंग नहीं करूँगी, मेरा नोज़ इतना बड़ा नहीं है, और कॉन्टोरिंग भी मैं इतनी हैवी नहीं करी, लाइट लाइट से ही कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। ठीक है गाइस, अपवर्ड डायरेक्शन में आप कॉन्टोरिंग किया कीजिए, इससे आपका फेस जो है वो पतला दिखेगा, आपका फेस चबी नहीं दिखेगा। ये मेरा मिस रोज़ का पैलेट है, इसमें से मैं बेबी पिंक सा शेड मैंने पिक किया है, उसको मैं ब्लश लगा रही हूँ एज अ ब्लश। ब्लश वाला पार्ट तो मुझे बहुत पसंद है मेकअप लुक में। ठीक है गाइस, अब उसके बाद हम अप्लाई करेंगे हाईलाइटर। यह है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाईलाइटर, जहाँ जहाँ पे आप हाईलाइट करना चाहते हैं वहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं, ब्राउ बोन पे एंड फॉरहेड पे, चिन पे, हर जगह। फिर मेकअप को कर रही हूँ सेट, और मेकअप सेट हो जाने के बाद मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। मैं लिपस्टिक को लेके बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि मेरा आई मेकअप इतना बोल्ड था, तो लिपस्टिक मुझे लगानी थी न्यूड, तो मुझे ये कलर सही लग रहा था। ये है ये कौन सी लिपस्टिक है, हाँ हाँ, डार्लिंग ईसाबेला की लिपस्टिक है, इसको मैं पहले एक दो वीडियो में और भी यूज़ कर चुकी हूँ। ये काइंड ऑफ न्यूड ऑरेंज कलर है, आप बताना आप लोगों को कैसा लग रहा था, ये कलर सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये है मेरा चोकर जिसको मैंने मेरी ज्वेलरी हॉल में दिखाया था, इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी मैं पहन रही हूँ ईयरिंग्स,
और ईयर रिंग्स मैंने ज़्यादा हैवी नहीं पहनी क्योंकि चोकर मेरे लुक को एनहेंस कर रहा था। ठीक है, अभी मेरे बालों को सेट करके आपको मेरा फाइनल लुक दिखाती हूँ। हेलो सासू माँ, आपका बेटा ना बड़ा नालायक है, मेरे को बड़ा तंग करता है। हाँ बहू, इसीलिए तो उसको अच्छी बीवी नहीं मिल पाई।